हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टूडियोस। अब सीखे फटाफट यूट्यूब चैनल पे मैं आपका अपना इंजीनियर प्रताप लेके हाजिर हूँ मॉर्निंग करंट अफेयर्स का वीडियो। आज है 3 अक्टूबर 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले नए देखने वाले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित PCA फ्रेमवर्क में पी का क्या अर्थ है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए प्रॉम्प्ट। बात करें प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन यानी PCA भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तैयार की गई कमजोर बैंकों की निगरानी सूची को संदर्भित करता है। RBI ऐसे बैंकों पर उधार देने पर प्रतिबंध जैसे कई प्रकार के प्रतिबंध लगाता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में इंडियन ओवरसीज बैंक को प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क से हटा दिया। इस बैंक को 2015 में PCA ढांचे के तहत रखा गया था। चलिए आपको RBI के बारे में बातें। RBI का गठन 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। हेडक्वार्टर मुंबई, प्रेजेंट गवर्नर से शक्तिकांत दास जी जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट गवर्नर सर ऑस्मॉनी स्मिथ जो कि एक नॉन इंडियन। फर्स्ट इंडियन गवर्नर CD देशमुख। फर्स्ट इंडियन लेडी गवर्नर KJ उदेसी। बात करें RBI का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें, साथ ही में आप हमारे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन स्टूडियोज़ को ज्वाइन करना ना भूलें, वहां आपको इस वीडियो का PDF मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस देश ने तालिबान के नेतृत्व वाले अफगानिस्तान को $multi-billion की लागत वाले चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा परियोजनाओं में शामिल होने पर चर्चा की है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान देश ने। हाल ही में पाकिस्तान ने तालिबान के नेतृत्व वाले अफगानिस्तान को $multi-billion की लागत वाले चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा परियोजनाओं में शामिल होने पर चर्चा की है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा पाकिस्तान और चीन के बीच एक द्विपक्षीय परियोजना है। इसका उद्देश्य ऊर्जा, औद्योगिक और अन्य बुनियादी ढांचागत विकास परियोजनाओं के साथ राजमार्गों, रेलवे और पाइपलाइनों के नेटवर्क के साथ संपूर्ण पाकिस्तान में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है। चलिए आपको पाकिस्तान के बारे में बातें हैं। पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद। प्रेसिडेंट हैं आरिफ अलवी जी। प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान जी जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट PM लियाकत अली। करेंसी है पाकिस्तानी रुपया। पार्लियामेंट नेम है नेशनल असेंबली। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। पेरिस की एक अदालत ने साल 2012 में हुए चुनाव में तय राशि से दोगुना राशि खर्च करने के कारण पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को कितने वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 1 साल के लिए। बात करें पेरिस की एक अदालत ने साल 2012 में हुए चुनाव में तय राशि से दोगुना राशि खर्च करने के कारण पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को 1 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को 2012 में री इलेक्शन लड़ने के असफल प्रयास के लिए गैरकानूनी फंडिंग का दोषी पाया गया है। सरकोजी साल 2007 से साल 2012 तक फ्रांस के राष्ट्रपति रह चुके हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस यानी इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे हाल ही में कब मनाया गया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 30 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस हर वर्ष 30 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस हर वर्ष 30 सितंबर को सेंट जेरोम की पुण्य तिथि पर मनाया जाता है। सेंट जेरोम बाइबल के अनुवादक थे, इसे जरूर याद रखें। सेंट जेरोम बाइबल के अनुवादक थे जिन्हें अनुवादकों के संरक्षक संत के रूप में जाना जाता है। चलिए चलते हैं, आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाईकोर्ट ने किस राज्य सरकार को घर तक राशन पहुंचाने की स्कीम डोर स्टेप डिलीवरी को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी दिल्ली सरकार।
बात करें दिल्ली में राशन की डोर स्टेप डिलीवरी का मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार के लोगों को घरों में राशन पहुंचाने को मंजूरी दे दी है। हाई कोर्ट ने कहा है कि लेकिन उचित दर की दुकानों में राशन की कमी नहीं होनी चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वह सभी उचित मूल्य की दुकानों को उन कार्डधारकों की जानकारी दें जिन्होंने घर पर ही राशन प्राप्त करने के विकल्प चुना है। चलिए चलते हैं आपको दिल्ली के बारे में बताते हैं। दिल्ली का गठन 1911 को हुआ था। दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री अरविंद केजरीवाल जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। उपराज्यपाल हैं श्री अनिल बैजल जी। फर्स्ट सीएम चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी। फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर आदित्यनाथ झा जी। फर्स्ट लेडी सीएम सुषमा स्वराज जी। लोकसभा सीट 7, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 11। बात करें दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं धीरूभाई नारायण भाई पटेल जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले वीडियो पसंद आ रहा तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 6 है आज का। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान यानी कि AIIA ने कितने साल तक के बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला एक किट विकसित की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 16 साल तक के बच्चों में। बात करें अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने 16 साल तक के बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला एक किट विकसित की है। आयुष मंत्रालय के अधीन AIIA ने कोरोना की संभावित तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए यह किट विकसित की है। AIIA ने इसका नाम बाल रक्षा किट रखा है। AIIA 2 नवंबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस पर 10,000 मुफ्त किट वितरित करेंगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। विश्व मुस्कान दिवस किस दिन मनाया जाता है यानी वर्ल्ड स्माइल डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अक्टूबर महीने के पहले शुक्रवार को। वर्ल्ड स्माइल डे यानी कि विश्व मुस्कान दिवस, जिसे हर साल अक्टूबर महीने के पहले शुक्रवार को मनाया जाता है। इसे मनाने का विचार अमेरिका के एक आर्टिस्ट हार्वे बाल को आया था। उन्होंने ही पहले स्माइल फेस आइकन बनाए थे जिन्हें आज हम अनेक तरह के संदेशों को भेजने के दौरान इस्तेमाल करते हैं। वर्ल्ड स्माइल डे मनाने के पीछे का मुख्य उद्देश्य लोगों को स्माइल का महत्व समझाना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाल ही में किसने 1 अक्टूबर 2021 को दुबई एक्सपो 2020 में भारत के पवेलियन का उद्घाटन किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, पीयूष गोयल जी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने 1 अक्टूबर 2021 को दुबई एक्सपो 2020 में भारत के पवेलियन का उद्घाटन किया है। इस एक्सपो में भारत ने प्रतिभागियों की सबसे बड़ी संख्या को तैनात किया है। इसमें एक अत्याधुनिक 8,750 वर्ग मीटर का पवेलियन है। प्राचीन और भविष्य के भारत का प्रदर्शन दुबई एक्सपो में भारतीय पवेलियन की कल्पना एक हाईटेक संरचना के रूप में की गई है। यह प्राचीन भारत के साथ साथ भविष्य के भारत का सभ्यतागत संगम है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। किस देश ने भारत के पर्यटकों को अपने वाहन से देश में आने पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, नेपाल देश ने। कोविड-19 के कारण 22 मार्च वर्ष 2020 से भारत नेपाल बॉर्डर पर लोगों व वाहनों पर रोक लगा दी गई थी। नेपाल सरकार ने स्थिति को सामान्य देखते हुए पहले तो पर्यटकों के पैदल प्रवेश की अनुमति दी है। अब भारतीय प्राइवेट वाहनों व मोटरसाइकिलों को कोविड बचाव के प्रमाण पत्र दिखाने के बाद पूर्व की तरह वाहनों की कागजी प्रक्रिया के बाद प्रवेश की अनुमति दे दी गई है। चलिए आपको नेपाल के बारे में बताते हैं। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। प्रेसिडेंट है विद्यादेवी भंडारी जी। प्राइम मिनिस्टर है शेरबहादुर देउबा जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी है नेपाली रुपी। नेशनल डे 29 मई है। पार्लियामेंट नेम है नेशनल पंचायत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। भारत में किस संस्थान ने कॉर्निया प्रत्यारोपण का पहला विकल्प विकसित किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, IIT हैदराबाद ने। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद के शोधकर्ताओं ने हाल ही में कॉर्नियल प्रत्यारोपण का एक विकल्प विकसित किया है। शोध दल ने एक नई विधि का उपयोग करके मानव और गोजातीय स्रोतों से निकाले गए कॉर्निया से हाइड्रोजेल विकसित
किया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हाल ही में खबरों में रहा लूसी मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी से जुड़ा है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, नासा स्पेस एजेंसी से। लूसी नासा का एक मिशन है जो बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्रग्रहों का अध्ययन करेगा। यह 4.5 अरब साल पहले सौर मंडल के गठन में नई अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा। इसे 16 अक्टूबर को फ्लोरिडा के केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से लॉन्च किया जाएगा। चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। किस राज्य में अगले विधानसभा सत्र में सामाजिक जवाबदेही कानून पारित कराने की मांग को लेकर राज्यव्यापी अभियान चलाया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान राज्य में। हाल ही में राजस्थान में अगले विधानसभा सत्र में सामाजिक जवाबदेही यानी सोशल अकाउंटेबिलिटी कानून पारित कराने की मांग को लेकर राज्यव्यापी अभियान चलाया गया है। सरकार द्वारा वर्ष 2019 में सामाजिक जवाबदेही विधेयक के प्रारूप पर सलाह देने हेतु पूर्व राज्य चुनाव आयुक्त राम लुभिया की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था तथा समिति द्वारा वर्ष 2020 में मसौदा प्रस्तुत किया गया था। चलिए चलते हैं आपको राजस्थान के बारे में बताते हैं। राजस्थान का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर श्री कलराज मिश्र, कैपिटल है जयपुर। फर्स्ट सीएम हीरालाल शास्त्री जी। लोकसभा सीट 25, राज्यसभा सीट 10, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 33। राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है इंद्रजीत महांती जी। स्टेट डांस जरूर याद रखें, घूमर। चलिए चलते हैं आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में राजस्थान। चलिए चलते हैं पिछले दिन के वन लाइनर करंट अफेयर्स को रिवीजन करते हैं। हाल ही में नॉर्थ कोरिया देश ने अपने पूर्वी तट से हवासोंग 8 नामक एक नए विकसित हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। डीजी सक्षम कार्यक्रम को हाल ही में भूपेंद्र यादव जी ने लॉन्च किया है। विश्व समुद्री दिवस हाल ही में 30 सितंबर को मनाया गया है। सरकार ने दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक डॉक्टर मंगू सिंह का कार्यकाल 31 मार्च 2022 तक के लिए बढ़ा दिया है। भारत ने वर्ष 2030 तक रेबीज को खत्म करने के लिए कुत्ते की मध्यस्थता वाले रेबीज उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना का अनावरण किया है। इंडियन बैंक की पूर्व MD और CEO पदमजा चंदुरू को NSDL संगठन का नया MD और CEO नियुक्त किया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने मिशन शक्ति चरण 3 के तहत निर्भया एक पहल का एक कार्यक्रम की शुरुआत की है। हाल ही में श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 और अमृत 2.0 को लॉन्च किया गया है। गोल्ड एक्सचेंज और सोशल स्टॉक एक्सचेंज जो हाल ही में खबरों में थे, सेबी द्वारा अप्रूव्ड यानी अनुमोदित है। हाल ही में डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी जी को 28 सितंबर 2021 को ईदान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए चलते हैं आंसर ऑफ स्टडे क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन था, हाल ही में दिल्ली सरकार द्वारा लॉन्च किए गए पर्यटन ऐप का क्या नाम है? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी, देखो मेरी दिल्ली। क्वेश्चन टू था, इंग्लैंड की विश्व विजेता टीम के किस फुटबॉलर का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी, रोजर हंट का। चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। हाल ही में नृत्य और संगीत का उत्सव नट संकीर्तन किस राज्य में शुरू हुआ है? क्वेश्चन टू है, हाल ही में किस सोशल ऐप ने भारत में क्रिएटर एजुकेशन प्रोग्राम को लॉन्च किया है? इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। ऐसे ही डेली, वीकली, मंथली और शॉर्ट JKG अश्ले की वीडियोस के लिए आप अपने चैनल ऑनलाइन स्टडीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें। PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ऑनलाइन स्टडीज को ज्वाइन करना ना भूलें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।